महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रमुख आनंद महिंद्रा ने बुधवार को द वॉलेट एक्सपेरिमेंट की जानकारी शेयर की। किसी तरह शहर की ईमानदारी को परखने के लिए किए गए इस सोशल एक्सपेरिमेंट में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई दुनिया का दूसरा सबसे ईमानदार शहर बना है। क्या है द वॉलेट एक्सपेरिमेंट? दरअसल अमेरिका की मैगजीन रीडर्स डाइजेस्ट ने यह जानना चाहती थी कि दुनिया के कौन से शहर का कैरेक्टर कितना ईमानदार है, इसलिए उसने द वॉलेट एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। इस सोशल एक्सपेरिमेंट के तहत रीडर डाइजेस्ट ने दुनिया के 16 बड़े शहरों में कुल 192 वॉलेट यानी बटुओं को जानबूझकर गिरा दिया। इस तरह लगभग हर शहर में 12 बटुए घुमाए गए। बटुओं में रखे गए $50। इन सभी बटुओं में एक व्यक्ति का नाम, पता, फोन नंबर, परिवार का फोटो, कूपन और बिजनेस कार्ड रखे गए। साथ में स्थानीय मुद्रा के $50 यानी करीब 3,600 रुपीज की रकम रखी गई और इस तरह इंतजार किया गया कि इस शहर में कितने बटुए वापस आते हैं। इस सोशल एक्सपेरिमेंट में मुंबई में 12 बटुओं में से 9 बटुए वापस आए और वो दुनिया का दूसरा ईमानदार शहर बन गया। वहीं फिनलैंड के हेलसिंकी शहर में 12 में से 11 बटुए सही सलामत वापस पहुंच गए और वो दुनिया का सबसे ईमानदार शहर बन पाया। लिस्ट में सबसे नीचे है ये शहर पुर्तगाल के लिस्बन शहर में 12 में से सिर्फ 1 वॉलेट ही वापस आया। इस तरह वो इस लिस्ट में सबसे नीचे रहा। वही पुर्तगाल जिसने अपने गोवा पे कब्जा किया था। वही ब्राजील के रियो दी जेनेरियो, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख और रोमानिया के बुखारेस्ट में 12 में से 4, चेक रिपब्लिक के प्राग में 3 एवं स्पेन के मैड्रिड में 2 बटुए वापस लौटे। इस जानकारी को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया कि उनके लिए ये बिल्कुल भी अचंभित करने वाला नहीं है, बल्कि इस परिणाम से उन्हें संतोष से भर दिया है। और अगर संबंधित शहरों को लोगों की आय से मुंबई वालों की तुलना की जाए तो ये बहुत ही सम्मानजनक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे।